बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब दलित शोषित का चिंता करते हैं। आज आप सभी देखते हैं केंद्र में हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो निचले पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति को चिंता करते हैं। विरोधी को डर लग रहा है, अगर विरोधी का दम है तो परिवार बार छोड़ के उसके घर में कौन बनेगा सांसद, उसके घर में कौन बनेगा विधायक, वही विरोधी का काम है। बेटा बेटी बहू पुतो इतना ही तक सीमित पार्टी का। मैं इस मंच से मैं ऐलान करना चाहती हूँ, अगर दम है विरोधी को तो आज चुनाव बिहार में भी कर ले। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर कई काम किया गया है, हर काम को लेकर के हम सबों को जाना है, अपने जनता को बताना और बताते भी रहते हैं। एक एक बूथ के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, एक एक मंडल के पदाधिकारी आए हैं, सभी लोग संकल्पित हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम 40 का 40 सीट एनडीए का सीट हो, एनडीए जीत के जाए और भारत में तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने और हर बार की तरह इस बार भी रिकॉर्ड मत से लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। 2024 में और 2025 में एक बार बहुमत के साथ पुनः 24 में मोदी जी को इस देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और 2025 में इस बार भारतीय जनता पार्टी का राज बिहार में कायम करना है, ताकि आप सबों की जो एक कामना और इच्छाएं जो बची हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनेगी तो उसको पूरा करने का काम। और हम 40 के 40 सीट विश्वास दिला करके आज रहेंगे अमित शाह जी को कि बिहार का 40 का 40 सीट हम जीत करके उनके झोली में देंगे और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री निश्चित तौर से बनाएंगे, यह आश्वासन हम लोगों को देना है। माननीय नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री हिंदुस्तान में कई ऐसे अनेकों काम किए जो कोई कमजोर शासक कमजोर गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर अभी समय आ गया है, इस समय में आप याद कीजिए कि आपके विरोध में कैसे लोग हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां क्या कर रही है, जात जात में बांट करके लोगों को अलग अलग कर करके और केवल वोट की राजनीति कर रही है। जिस संकल्प के साथ 2014 में आप में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया और उस सरकार को बनते आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने शपथ लिया था कि यह सरकार गरीबों के लिए किसानों के लिए महिलाओं के लिए मजदूरों के लिए नौजवानों के लिए संकल्पित सरकार होगा और आज तक 9.5 साल हो गया, सभी संकल्प पर खरा उतरने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने किया है। बिहार में जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, बिहार को जिन लोगों ने बदनाम किया है, बिहार जिनके कारण कलंकित हो रहा है, आज संकल्प लेकर के जाइए कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को हम लौटाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीजल आपके साथ। कल गृह मंत्री अमित शाह पताई हवाई अड्डे से लोगों को संबोधित किए। 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से समर्थन मांगे। अमित शाह की सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता के साथ ही भाजपा के बड़े कदावर नेता सांसद विधायक पूर्व मंत्री मंत्री सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुजफ्फरपुर जिले से जुड़े भाजपा नेताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार पूरी ताकत झोंक दी। कोई वैशाली संसदीय क्षेत्र तो कोई मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा पाले। अमित शाह की सभा में भीड़ दिखाने व अपने को मजबूत प्रस्तुत करने की पूरी योजना के साथ मंच पर आगे न सही जगह के अनुसार पीछे ही विराजमान थे। अमित शाह के मंच पर आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का ही बोलने का मौका मिला। अमित शाह के मंच पर आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को ही बोलने का मौका मिला, लेकिन अमित शाह के आने से पहले मन से मुजफ्फरपुर के नेताओं ने भी हुंकार भरी। आइए हम सुनाते हैं कि किन नेताओं ने मन से क्या क्या कहा। मैं आप लोग से मैं आग्रह कर...
बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि दलित और शोषित का चिंता करती है। मैं एक इसी जिला के आपकी बेटी और बहू होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि बीजेपी ने हमको पार्टी में मध्य प्रदेश की महामंत्री बनाने का काम किया और हम पार्टी की आशीर्वाद से बोचहा का विधायक बनने का काम किए। मैं आप लोग से, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब दलित शोषित का चिंता करते हैं। आज आप सभी देखते हैं केंद्र में हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो निचले पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति को चिंता करते हैं। आज चिंता नहीं करते तो 33% आरक्षण महिलाओं को जो देने का काम किया है, महिलाओं को ऊर्जा भरने का काम किया है। आज इस सभा में महिलाओं को भीड़ देखकर, सभी भाइयों को भीड़ देखकर विरोधी घबरा गया है, विरोधी को डर लग रहा है। अगर विरोधी का दम है तो परिवार बार छोड़ के उसके घर में कौन बनेगा सांसद, उसके घर में कौन बनेगा विधायक, वही विरोधी का काम है। बेटा बेटी बहू पुतो इतना ही तक सीमित पार्टी का। मैं इस मंच से मैं ऐलान करना चाहती हूँ, अगर दम है विरोधी को तो आज चुनाव बिहार में भी कर ले। बिहार में चुनाव करेगा, जनता इंतजार कर रही है, जनता उम्मीद कर रही है कि आज चुनाव होगी बिहार में तो बीजेपी की सरकार बनेगी और 2024 में 40 के 40 सीट जीतने का काम हमारी पार्टी करेगी। जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो, कि बीजेपी के बिहार में भी सरकार हो और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे फिर तिवारा बने, इस पर जनता भरी निगाह से देखते हैं। आप सभी जनता मालिक, आप इस सभा में अमित शाह के भाषण सुनने आए हैं, मानिए ऊर्जा भरने का काम करेंगे। अमित शाह जी ऐसे व्यक्ति हैं कि हमेशा गरीब दलित पीड़ित को चिंता करते हैं। वो उनका भाषण सुनने आए हैं, मैं मन से वो आने वाले हैं मुजफ्फरपुर के नेता होने के नाते उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं और जनता मालिकों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। मंचासीन सभी महानुभाव को मैं वंदन और अभिनंदन करते हुए भारत माता की जय घोष करते हुए अपनी विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चाहूंगा अपने तमाम यहाँ के स्थानीय नेता से और आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारा 42 सीट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले और जहां जहां हम नहीं लड़ते हैं वहां हम अवश्य लड़े और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस यहां सभा में जो बैठे हैं सब लोग संकल्प लेना चाहते हैं कि जहां कमल नहीं का अभी तक नहीं खिला है वहां हम कमल खिलाने के लिए तैयार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर कई काम किया गया है, हर काम को लेकर के हम सबों को जाना है, अपने जनता को बताना और बताते भी रहते हैं। एक एक बूथ के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, एक एक मंडल के पदाधिकारी आए हैं, सभी लोग संकल्पित हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम 40 का 40 सीट एनडीए का सीट हो, एनडीए जीत के जाए और भारत में तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने और हर बार की तरह इस बार भी रिकॉर्ड मत से लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आग्रह करना चाहूंगा आप सबों से भी कि आप सब लोग जब अपने गांव जाएं, अपने घर जाएं, तो निश्चित तौर से अब चुनावी समर में हम सब लोग आ चुके हैं, घर बैठने की आवश्यकता नहीं है। गांव टोले मोहल्ले में जाकर के उन दलित शोषित वंचित समाज अगर आप पिछड़ा सबों के बीच में चर्चा करनी चाहिए कि मोदी जी ने क्या किया है, भाई अमित शाह जी ने क्या किया है, देश के सीमा के लिए क्या हुआ है, घरेलू सुरक्षा के लिए क्या हुआ है, महिलाओं के लिए क्या सम्मान की बात की गई है, 33% आरक्षण दिया गया है, हम सबको बताना पड़ेगा। जब तक हम बताएंगे नहीं गरीब गुरबा को बहलाने फुसलाने वाले ये महागठबंधन के लोग, महाठगबंधन के लोग हैं ये तमाम लोग। एक चाचा जो पीएम बनने के सपना देख रहे हैं, एक भतीजा जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, पीएम और सीएम के चक्कर में भारत को छोड़िए क्या बनाएंगे, बिहार को गर्त में धकेलने का काम किए हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में
जा भी नहीं जाना चाहिए। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम सबको बिहार को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 2024 में और 2025 में एक बार बहुमत के साथ पुनः 24 में मोदी जी को इस देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, और 2025 में इस बार भारतीय जनता पार्टी का राज बिहार में कायम करना है, ताकि आप सबों की जो एक कामना और इच्छाएं जो बची हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनेगी तो उसको पूरा करने का काम करेगी। और हम 40 के 40 सीट विश्वास दिला करके आज रहेंगे अमित शाह जी को कि बिहार का 40 का 40 सीट हम जीत करके उनके झोली में देंगे, और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री निश्चित तौर से बनाएंगे। यह आश्वासन हम लोगों को देना है। आप बोलिए यह आश्वासन देते हैं तो हाथ उठा करके कहिए कि हम यह आश्वासन देते हैं। सभी लोग हाथ उठा करके बोले कि हम यह आश्वासन देते हैं। देते हैं ना? बहुत अच्छा, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि दो तीन काम, या मुजफ्फरपुर वैशाली जो है वह बुद्ध की कर्मभूमि है और महावीर की जन्मभूमि है। साथ ही इतना ही नहीं, जब स्वयंवर के लिए राम लक्ष्मण जी जा रहे थे तो वैशाली में रात्रि उनका विश्राम हुआ था, ऐसा प्रमाण रामायण में है। इसलिए यह बहुत बड़ा देन है कि हम लोग वैशाली, इसी जिला का पार्ट है, और वैशाली का विकास एक बड़ा पर्यटक स्थल बनने से वैशाली पूरे इस बिहार, उत्तर बिहार के लोगों को समृद्धता देगा, ऐसा विश्वास है। और यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। इसलिए हम आप सब लोगों के द्वारा अपने मंत्री जी को भी ये कह रहे हैं और सभी लोगों को कि वैशाली बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनकर के मुजफ्फरपुर चार चांद लगेगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आज आशीर्वाद के रूप में इस किसान रैली में अमित शाह जी को आशीर्वाद दें कि वो जा कर के हम लोगों का बात को रखे और 40 का 40 सीट जो हम जिताएंगे उस पर विश्वास उनको हम लोग को दिलाना है। बहुत बहुत आप सबों को प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, आप याद कीजिए 1977 के आंदोलन को, क्रांति को। 1977 के बाद में किस तरह के विभिन्न तरह की सरकारें बनी, अल्पमत में सरकार थी, सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन आज 2014 के बाद में आप सबों का ताकत मिला, उस ताकत के बदौलत माननीय नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री, हिंदुस्तान में कई ऐसे अनेकों काम किए जो कोई कमजोर शासक, कमजोर गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर अभी समय आ गया है। इस समय में आप याद कीजिए कि आपके विरोध में कैसे लोग हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां क्या कर रही है, जात जात में बांट करके लोगों को अलग अलग कर करके और केवल वोट की राजनीति कर रही है। एक तरफ देश को एक करने की बात चल रही है, देश को मजबूत करने की बात चल रही है, देश को दुनिया में नाम करने की बात चल रही है। आज नरेंद्र मोदी जी का लोहा है, इसलिए दो शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं भी बाहर, यहां से बाहर रह करके पढ़ा था, मुझे याद है एक बार मुझे पुलिस कस्टडी में जाना पड़ा था, इसलिए कि 15 अगस्त को मैंने तिरंगा झंडा फहरा दिया था। लेकिन आज वही देश है जो दुनिया की दो महाशक्तियां लड़ रही हो आपस में, एक तरफ नाटो और एक तरफ रशिया। लेकिन इंडियन तिरंगा लेकर के पाकिस्तान के स्टूडेंट को भी अगर उस देश से बाहर निकलना पड़ा तो नरेंद्र मोदी की ताकत है जो दुनिया को दिखा दी कि उस समय के लिए युद्ध को रोकना पड़ा। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी का जो समय है, इस समय में जो अराजकता, भ्रष्टाचार बिहार में फैली हुई है,
इसका जवाब देने के लिए लड़ना सीखिए। जीना है तो लड़ना सीखिए और लड़ना है तो मरना सीखिए। मैं इसी के साथ में साहिबगंज के साथ साथ मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार से आए हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हमारे भाई और प्रदेश के महामंत्री जो संचालन कर रहे हैं शिवेश जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम मंचासीन नेतागण, राधा मोहन बाबू, गिरिराज बाबू, विजय सिन्हा जी, तारकिशोर प्रसाद जी, सम्राट चौधरी जी और मंगल पांडे जी, संजय जयसवाल जी, शाहनवाजी हुसैन जी, तमाम नेता, सम्मानित भाइयों, बात रहा कि यह एक लाइन बोलना है तो एक लाइन। हमारे नेता लोग आए हुए हैं, बड़े नेता लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इन लोगों का सुनिएगा। हमारा तो खैर आज 18-19 साल से चाय के दुकान में, पान के दुकान में जहाँ होता है हम लोग तो घूमते रहते हैं, तो बड़े नेता सब का सुनिए। और इन लोगों को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, हम लोग तो अभी यहाँ मंच पर आए हैं कि वहाँ से भीड़ चला और हम लोग अपने जनता के साथ आए हैं। विशेष करके आज जो मंच पर बैठे हुए हैं, इन लोगों के स्वागत में एक बार ताली बजा करके इन लोगों का स्वागत आप लोग कर दीजिए कि मंच पर बैठे हुए हैं जो लोग। विशेष करके हमारे अभिभावक गार्जियन लोग हैं, विशेष कर पर आज हम लोगों को फेंक दिया गया सारे विधायक को पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत। जिस संकल्प के साथ 2014 में आप में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया और उस सरकार को बनते आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने शपथ लिया था कि यह सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए संकल्पित सरकार होगा। और आज तक 9.5 साल हो गया, सभी संकल्प पर खरा उतरने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने किया है। साथियों, आपको तय करना है 2024 में ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। एक तरफ गठबंधन है जो भाई भतीजा लूटपाट के लिए इंतजार कर रहा है और दूसरे तरफ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक अपना जो देश है, जो दुनिया में सबसे आगे परचम लहराने का काम कर रहे हैं। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो काम छूट गए हैं 9.5 साल में, उस काम को करने के लिए पुनः एक बार 2024 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन करना है। और मुजफ्फरपुर जिले के दोनों लोकसभा सीट से हम अपने उम्मीदवार को जिता करके और केंद्र में भेजने का काम करेंगे और साथ साथ 2025 में अपना पूर्ण बहुमत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तब जा करके जिस तरह का हम बिहार की कल्पना कर रहे हैं, जिस तरह का हम सपना बिहार का देखते हैं, उस तरह का बिहार हम बनाने का काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ सभी लोगों को, आए हुए सभी भाइयों को, बहनों को अभिनंदन वंदन चंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनावे के है और 2025 में, 2025 में बिहार से नीतीश लालू के विदाई करे के है। दो चुनौती हमारे सामने, इस दोनों चुनौती का हम सामना करते हुए अपने नेताओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरे उत्तर बिहार के सभी सीटों पर आपको हर हालत में विजय श्री हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हम गांव में जाते हैं, प्रधानमंत्री का मुफ्त का अनाज, प्रधानमंत्री का मुफ्त का इलाज,
किसानों को मुफ्त में किसान सम्मान निधि, बेटियों को मुफ्त में सुकन्या योजना, बूढ़ों लोग के अटल पेंशन योजना, नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हर एक लोग इसका चर्चा करता है, खासकर गरीब दुखिया कहता है कि मंत्री जी मोदी जी अनाज दलथिन, मोदी जी इलाज करवावे छथिन, मोदी जी घर दलथिन, मोदी जी शौचालय दलथिन। भाई तनी हमको टाइम दीजिए, ये मेरे इलाके में प्रोग्राम है और एक महीना से रात दिन एक किए हुए हैं, तो हमको तो बोलने दीजिए ना। तो कहने का मतलब कि मोदी जी ने इस दुनिया के अंदर जो भारत का नाम रोशन किया है, इसका मुरीद हमारे पूरे बिहार के एक एक गरीब तबका के लोग हैं। जो अमीर लोग हैं वो गणित गणित जोड़ते हैं, लेकिन गरीब लोग केवल मुफ्त का अनाज, मुफ्त का इलाज और किसान को सम्मान, मजदूरों का काम, इस पर काम करता है। हम आपको सभी नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे कि हम सबका एक मिशन है, भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने, हमें इस पर काम करना है। जहां तक आदरणीय अमित शाह जी का बात है, अमित शाह जी ने हनुमान के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हुए इस भारत के अंदर जो अमन चैन शांति कायम किया है, इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और हम विपक्षी लोग नेताओं से कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आप भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा समूह है विपक्ष इस देश का। आपका एक मकसद है कि कैसे हूं नरेंद्र मोदी को हटा के और देश में भ्रष्टाचारियों का सरकार बना के हम भ्रष्टाचार से निकल जाए, लेकिन इस देश का जनता ये कभी सफल नहीं होने देगा। हर हालत में हम लोग नरेंद्र मोदी जी को अगली बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बिहार में जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, बिहार को जिन लोगों ने बदनाम किया है, बिहार जिनके कारण कलंकित हो रहा है, आज संकल्प लेकर के जाइए कि बिहार की गौरवशाली इतिहास को हम लौटाने का काम करेंगे। जो बिहार एक समय दुनिया को प्रकाश देने का काम करता था, जो बिहार एक समय दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम करता था, हम उस गौरवशाली बिहार को पुनः स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार भी बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अपार भीड़ आज पहुंच चुकी है, रास्ते में अपार भीड़ आ रही है, मैं आपके तरफ से मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं और अमित शाह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अमित शाह जी हम लोग के बीच आने वाले हैं कि मुजफ्फरपुर का एक एक नौजवान, मुजफ्फरपुर का एक एक माता बहन, उन्होंने संकल्प ले लिया है और ठीक उसी प्रकार से संकल्प लिया है कि जिस तरह से आंखों में अरमान होता है, आंखों में अरमान 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, आंखों में अरमान 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का। राजनीति करने के लिए जो आज भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले लोग जो संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं, वो संविधान बचाने के लिए नहीं बल्कि परिवार बचाने की राजनीति कर रहे हैं, लोग परिवार बचाने की राजनीति कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर के लोगों ने संकल्प ले लिया है और कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब मुजफ्फरपुर के लोगों ने ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता में अगर रही है तो कोई कांग्रेस पार्टी रही है। जब कांग्रेस गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी है तो कांग्रेस पार्टी ने उसको चलने नहीं दिया, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चंद्रशेखर जी हो, बीपी सिंह जी हो, सभी को चलने नहीं दिया। यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार आया, उसको भी चलने नहीं दिया। सब बहुत दिन के बाद सबसे मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आई है। दूसरा कार्यकाल अब पूरा होने वाला है और देश की जनता हर जगह मोदी मोदी कर रही है
हम लोग तीसरी बार आपके आशीर्वाद से सत्ता में आएंगे, यही बोल के मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।